नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बीजेपी ने आत्मनिर्भर बिहार के बारे में बात की है। मैं उनको ये सलाह देना चाहूंगा कि बिहार में बीजेपी पहले आत्मनिर्भर हो जाए। 24 साल से अभी तक उधार के चेहरे पर निर्भर है। भाजपा के आत्मनिर्भर बिहार अभियान शुरू करने पर राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है, तो वही हरियाणा अम्बाला में पुलिस ने कल रात एक ट्रक से 290 पेटी अवैध शराब जब्त की है। अम्बाला के डीएसपी ने बताया कि शराब की कुछ पेटियां गोदाम पर है जिनकी गिनती की जाएगी। तो वही दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव के मैदान में एनडीए का गठबंधन नीतीश जी के नेतृत्व में भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे और नीतीश जी के नेतृत्व में विजय श्री हासिल करेंगे। बचपन में हमने देखा कि राजनीतिक नेतृत्व चरमराया हुआ था, उनके पास राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, इसी की वजह से पूरी व्यवस्था चरमराई हुई थी। आज परिवर्तन ये है कि मोदी जी से लेकर नीतीश कुमार और सुशील मोदी तक राजनीतिक इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।